हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल ऑन एलोडे नॉलेज। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं DBS मीन्स डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम। एक्चुअली एक ऐसा ब्रेकिंग सिस्टम है जिसमें एक डिस्क एंड कैलिपर का अरेंजमेंट किया गया है फॉर बेटर एंड इंस्टेंट ब्रेकिंग इफेक्ट, इज कॉल्ड DBS और डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम। मतलब क्या है, एक ब्रेकिंग सिस्टम है हमारे पास जिसमें ये जो आप डिस्क देख रहे हो, ये जो कैलिपर देख रहे हो, ये दोनों को मिलाकर रखा गया है क्योंकि एक अच्छा खासा ब्रेकिंग इफेक्ट हमको चाहिए। तो उस सिस्टम को हम बोल रहे हैं डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम। क्लियर? नेक्स्ट चलिए देख लेते हैं, ये जो डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम है, ये डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम में डिस्क ब्रेक हमारा काम कैसे कर रहा है और डिस्क ब्रेक का जो अरेंजमेंट है ये कैसा है। अच्छा, तो चलिए सीख लेते हैं। देखिए, शुरू से शुरू करते हैं, पूरा का पूरा एक एक चीज़ को हम देखेंगे। क्लियर? अच्छा, तो देखिए ये जो है फास्ट, इसको हम बोलते हैं हॉब। ओके, ये जो आप देख रहे हो इसको हम बोलते हैं हॉब। हॉब में हमारा होता क्या है, बेसिकली जो व्हील हमारे होते हैं व्हीकल्स के, हमारे व्हील्स ये जो हॉब होते हैं हॉब में ही लगे रहते हैं, हॉब में ही फिक्स होते हैं। तो ये हॉब में हमारा व्हील यहाँ पर फिक्स्ड है, यहाँ पर व्हील हमारा एक व्हील फिक्स्ड है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो इसको हम बोलते हैं रोटर होल्डिंग पॉइंट। मतलब यहाँ पे हम डिस्क ब्रेक सीख रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे डिस्क रहना बहुत ही ज़रूरी है। भाई डिस्क नहीं होता तो डिस्क ब्रेक हम क्यों बोलते, ये डिस्क है इसलिए हम डिस्क ब्रेक बोल रहे हैं। तो यहाँ पे जो डिस्क है और जिसको हम रोटर भी बोल रहे हैं, ये रोटर हमारा फिक्स्ड होता है किसके साथ, ये जो हमारे व्हील है ये व्हील के साथ। ओके, तो इसी को हम बोलते हैं रोटर होल्डिंग पॉइंट। मतलब हमारे व्हील में ऐसे हमारा, ये हमारा व्हील हो गया, इसी के अंदर हमारे ये चार रहते हैं हमारे रोटर होल्डिंग पॉइंट, जिनमें हमारा ये जो रोटर है ये रोटर हमारा फिक्स किया जाता है। ओके, तो देखे होंगे आप लोग फोर व्हीलर्स में देखे होंगे और बेसिकली आपके टू व्हीलर्स में आप लोग देखे होंगे। ओके, अच्छा, तो ये हो गया हमारा रोटर होल्डिंग पॉइंट। नेक्स्ट, ये जो आप देख रहे हो इसको हम बोलते हैं रोटर, मेन कैरेक्टर यही है। तो ये है रोटर और जिसको हम बोलते हैं डिस्क। ओके, तो ये जो डिस्क है, चलिए इसके बारे में थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं। एक्चुअली ये जो डिस्क है, ये डिस्क हमारा सर्कुलर इन शेप होता है। ओके, ये सर्कुलर होता है और ये जो डिस्क हमारा बनाया जाता है, एक्चुअली ये डिस्क को हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में बना जाता है। ओके, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में इसको हार्डनिंग की जाती है। ठीक है, इसको हार्डनिंग की जाती है और इसका जो मटेरियल है, एक्चुअली इसको हम कास्ट आयरन से बना सकते हैं, इसको हम कास्ट आयरन से बना सकते हैं, स्टील से बना सकते हैं और हाई कार्बन स्टील से बना सकते हैं। क्योंकि ये जो सारे मटेरियल्स हमारे हैं, इनके हीट अब्जॉर्बिंग कैपेसिटी, जो हीट जो अब्जॉर्ब करते हैं, हीट अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी उनका कुछ ज़्यादा है। ओके, कुछ ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर जब हमारा यहाँ पर फ्रिक्शन क्रिएट होगा तो भाई हीट तो क्रिएट होगा ना, हीट तो जेनरेट होगा। जब हीट जेनरेट होगा, ये जो हीट हमारा इसके ऊपर एक्ट करेगा, ये जो डिस्क है डिस्क के ऊपर एक्ट करेगा और ये जो हमारा ब्रेक पैड है ये ब्रेक पैड के ऊपर भी एक्ट करेगा, ये दोनों के ऊपर हमारा हीट एक्ट करने लगेगा। तो ये जो हीट है ये हीट को ऑब्जर्व भी करना चाहिए। तो हीट ऑब्जर्वशन कैपेसिटी जो मटेरियल्स का कुछ काफ़ी ज़्यादा होता है, ये सारे चीज़ों को हम क्या करते हैं, ये जो हमारा रोटर है रोटर के लिए हम चूज करते हैं, रोटर मटेरियल के लिए चूज करते हैं। क्लियर? अच्छा, ये जो होता है ये हमारा सर्कुलर इन शेप होता है एंड ये जो सारे मटेरियल्स हमारे हो गए ये हमारे यूज की जाती है और ये जो हमारा रोटर बन रहा है ये हमारा बेसिकली हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में बन रहा है और इसको हम हार्डनिंग कर रहे हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा रोटर और जिसको हम बोल रहे हैं डिस्क। नेक्स्ट, ये जो आप देख रहे हो ये जो स्मॉल स्मॉल होल्स हैं इनको हम बोलते हैं वेंट। वेंट का मतलब क्या है, आप लोग देखे होंगे डिस्क ब्रेक के ऊपर, ये हो गया डिस्क ब्रेक, तो डिस्क ब्रेक के ऊपर कुछ ऐसा ऐसे होल्स हमारे ये सब लगे रहते हैं, देखे होंगे आप लोग। क्यों रहते हैं ये सारे के सारे, देखिए जब यहाँ पर हमारा हीट एक्ट करेगा आकर इसके ऊपर, तो होगा क्या, अगर यहाँ पर होल्स वगैरह नहीं होंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा हीट हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा हीट हो जाएगा। ठीक,
ठीक है। तो ये जो भेंट है, ये भेंट हमारा क्या करता है, कुछ हीट को रिलीज कर देता है। ओके, तो हीट को बेसिकली रिलीज करने के लिए, हीट को रिड्यूस करने के लिए डिस्क से और रोटर से हम क्या करते हैं, भेंट का इस्तेमाल किया करते हैं। ओके, हमारे रोटर में और डिस्क में। मेरे को लग रहा है कि आप लोगों को क्लियर हो रहा है ये सारा चीज। नेक्स्ट देख लेती है, तो ये हो गया हमारा रोटर। नेक्स्ट चलिए देख लेते हैं, ये जो आप देख रहे हो इसको हम बोलते हैं कैलिपर, और बेसिकली मैंने जो यहाँ पे दिखाया है इसको हम बोल सकते हैं फ्लोटिंग कैलिपर। अच्छा, इसको हम फ्लोटिंग कैलिपर क्यों बोलेंगे, पहले बात। अच्छा, फर्स्ट पॉइंट, फ्लोटिंग कैलिपर इसको हम क्यों बोलेंगे। अच्छा, फ्लोटिंग कैलिपर क्यों बोला जाता है, अगर यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखिए ये जो पिस्टन है, ये पिस्टन हम क्या करते हैं एक ही साइड में इस्तेमाल करते हैं, मतलब ये साइड पे सिर्फ हम क्या किए हैं, पिस्टन का इस्तेमाल किए हैं। ये जो साइड आप देख रहे हो, यहाँ पे कोई भी पिस्टन का अरेंजमेंट है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ हमारा पिस्टन का अरेंजमेंट है, मतलब वन साइड में है, इसीलिए हम इसको बोलेंगे फ्लोटिंग कैलिपर। मतलब ये जो पिस्टन है, ये पिस्टन मूवमेंट करेगा, और ये पिस्टन मूवमेंट करने के वजह से ये जो है, ये साइड भी हमारा वर्किंग करेगा। ओके, कैसे वर्किंग करेगा वो तो देखेंगे ही, लेकिन सिर्फ फ्लोटिंग कैलिपर जो है, फ्लोटिंग कैलिपर में यही होता है कि पिस्टन जब मूवमेंट करता है, एक ही साइड में मूवमेंट करता है, तो ये जो अदर साइड होता है, ये ऑटोमेटिकली हमारा क्या होता है, मूवमेंट करना लग जाता है। ओके, तो ये है प्रोसेस, इसीलिए इसको हम बोलते हैं फ्लोटिंग कैलिपर। नेक्स्ट चलिए देख लेते हैं फ्लोटिंग कैलिपर के अंदर क्या कुछ हो रहा होता है। देखिए, पहले फ्लोटिंग कैलिपर के अंदर हमारा यहाँ पे रहता है क्या, ये जो आप देख रहे हो ये लाइन, इसको हम बोलते हैं ब्रेक पैड। ओके, इसको आप बोल सकते हो ब्रेक पैड, और ब्रेक लाइनिंग भी बोल सकते हो। और ये जो ब्रेक पैड है और ब्रेक लाइनिंग है, हमको पता है ये एजबेस्टस मटेरियल से, बेसिकली एजबेस्टस मटेरियल और एब्रेसिव मटेरियल, और आप बोल सकते हो नॉन मेटेलिक मटेरियल से ये बना रहता है। ओके, और इसका जो हीट एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है, ये बहुत ही ज़्यादा होता है, और इसको जो हम बनाते हैं, इसको भी हम हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस से ही बनाते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा ब्रेक पैड, और ये ब्रेक पैड हमारा क्या करता है, ये जो रोटर है, ये रोटर हमारा रोटेट करता है, क्योंकि व्हील जब रोटेट करेगा, ये रोटर भी रोटेट करेगा। तो ये रोटर जब रोटेट कर रहा होता है, ये जो आप देख रहे हो ब्रेक पैड, ये ब्रेक पैड हमारा फिक्स रहता है। ओके, और ये ब्रेक पैड हमारा फिक्स रहता है, और धीरे धीरे मूवमेंट करके, जब पिस्टन मूवमेंट करेगा, पिस्टन के मूवमेंट के वजह से ये ब्रेक पैड हमारा आकर कंटैक्ट हो जाएगा किसके ना, रोटर, और जिसको हम डिस्क बोलते हैं, तो डिस्क से ये कंटैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ब्रेक पैड। नेक्स्ट चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे और एक है, ये जो आप देख रहे हो इसको हम बोलते हैं, ये जो है एक्चुअली इसको हम बोलते हैं बैकिंग प्लेट। ओके, तो ये जो बैकिंग प्लेट है, एक्चुअली ये बैकिंग प्लेट क्या करता है, देखिए होगा क्या, यहाँ पे जब हीट जनरेट होगा, मतलब ये दोनों के बीच जब फ्रिक्शन क्रिएट होगा, तो फ्रिक्शन क्रिएट होने के वजह से जब इसमें हीट कैरी करने लग जाएंगे, तो भाई होगा क्या, ये जो अगर यहाँ पे बीच में हम बैकिंग प्लेट नहीं लगाएंगे, तो ये हीट हमारे जाकर एक्ट करने लग जाएगा पिस्टन के ऊपर। ओके, पिस्टन के ऊपर एक्ट करेगा, जब पिस्टन के ऊपर एक्ट करेगा, तो पिस्टन, तो पिस्टन को मूवमेंट करना है इस तरफ, लेकिन पिस्टन हमारा क्या करेगा, धीरे धीरे पीछे की तरफ भी मतलब मूवमेंट करने लगेगा, मतलब यहाँ पे ऑपोजिट फोर्स लग जाएगा, तो पिस्टन क्या करेगा समझ ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो हमको जितना इफेक्टिव ब्रेकिंग चाहिए उतना मिलेगा ही नहीं, इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पे बैकिंग प्लेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि बैकिंग प्लेट के वजह से होता क्या है, अब ये देखिए हमारा जो ब्रेक पैड है, ब्रेक पैड तो हीट को ऑब्जर्व कर ही लेता है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ हीट ये बैकिंग प्लेट के ऊपर जाकर एक्ट करेगा, और ये जो पिस्टन है, पिस्टन के पास पहुंच नहीं पाएगा। अगर हम बैकिंग प्लेट नहीं लगाएंगे, तो ये हमारा कुछ फोर्स जाकर हमारे पिस्टन के ऊपर एक्ट करेंगे, और पिस्टन को बैक को जाने के लिए भी बोलेंगे। ओके, तो ये हो गया बैकिंग प्लेट का फंक्शन। नेक्स्ट पिस्टन, पिस्टन का फंक्शन तो हम जानते ही, पिस्टन जब मूवमेंट करता है तो होता क्या है भाई, इसके ऊपर प्रेशर डालता है, और इसके ऊपर जो प्रेशर डालता है, ये ब्रेक पैड और ये जो बैकिंग प्लेट है, ये दोनों हमारे मूवमेंट करते हैं, और जिसके वजह से हमारा ब्रेकिंग इफेक्ट हो रहा होता है। ओके, ये हो गया पिस्टन का फंक्शन। नेक्स्ट यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो, ये पूरा का पूरा हमारा हो गया कैलिपर, और ये जो आप देख रहे हो इसको हम बोलते हैं गाइड पिन।
ओके, इसको हम बोलते हैं गाइड पिन। अच्छा देख लेते हैं यहाँ पे गाइड पिन का फंक्शन क्या होता है एक्चुअली। देखिए गाइड पिन हमारा करता क्या है, ये जब ये पार्ट जब हमारा मूवमेंट करेगा, पिस्टन जब मूवमेंट कर रहा है तो पिस्टन जब मूवमेंट करेगा तो बैकिंग प्लेट हमारा आगे की तरफ आएगा। ओके, बैकिंग प्लेट जब आगे आएगा तो ये जो ब्रेक पैड है ये ब्रेक पैड भी आगे आएगा। ठीक है, तो ये वाला सेक्शन हमारा आगे आ रहा है क्योंकि हमको यहाँ पे ब्रेकिंग इफेक्ट देना है, तो ये आगे आ रहा है। तो भाई ये जो पार्ट है, मान लीजिए ये हो गया हमारा फर्स्ट सेक्शन, ये हमारा हो गया सेकंड सेक्शन, अगर ये सेक्शन हमारा मूवमेंट कर रहा है तो ये सेक्शन को भी मूवमेंट करना चाहिए। ओके, तो ये सेक्शन में ही मूवमेंट होना चाहिए। जब ये सेक्शन आकर यहाँ से लग जाएगा तो हमको एक इफेक्टिव ब्रेकिंग मिलेगा। ओके, अगर ये सिस्टम नहीं आएगा, सिर्फ ये ही जाकर इसके साथ चिपक जाएगा तो भाई हमको ब्रेकिंग तो मिलेगा लेकिन उतना नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हाइड्रोलिक का कोई मायने ही नहीं रह जाएगा, तो ये दोनों को मिलना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे गाइड पिन क्या करता है, ये दोनों को मिलाता है। ठीक है, तो ये दोनों को मिलाता है गाइड पिन, मतलब जब ये मूवमेंट करने लग जाएगा तो ये जो आप गाइड पिन देख रहे हो, ये गाइड पिन भी क्या करेगा, एक्चुअली गाइड पिन के साथ यहाँ पे एक स्प्रिंग भी रहता है, तो ये क्या करेगा, इसको कंप्रेस करने लग जाएगा। तो ये जब कंप्रेस होगा तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट हमारा मूवमेंट करना लग जाएगा। तो ओके, तो बेसिकली इसका फंक्शन गाइड पिन का क्या होता है, गाइड पिन के साथ एक स्प्रिंग भी लगा रहता है, तो ये दोनों मिलकर हमारे क्या करते हैं, ये जो सेकंड पार्ट है, ये जो पार्ट आप देख रहे हो, इसको ये पुल करते हैं। ओके, तो जिसके वजह से हमको एक अच्छा खासा ब्रेकिंग इफेक्ट मिल जाता है। तो ये था हमारा कुछ थोड़ा बहुत पार्ट्स के बारे में, चलिए देख लेते हैं फंक्शंस कैसे होता है। अच्छा हाँ, यहाँ पे और एक पार्ट भी है बोलना चाहूँगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं एयर ब्लेडर। एक्चुअली एयर ब्लेडर का काम क्या होता है, मान लीजिए होता क्या है, जब हम क्या करते हैं कि हाइड्रोलिक ऑयल का सप्लाई कर रहे हैं, उस वक्त कहीं पे मान लीजिए यहाँ कहीं पे थोड़ा बहुत लीकेज आ जाता है तो एयर भी अंदर घुस जाते हैं, एयर भी जाकर मिल जाते हैं किसके किसके साथ, हमारे हाइड्रोलिक ऑयल के साथ मिल जाते हैं। जब मिल जाते हैं तो भाई होता क्या है, देखिए यहाँ पे लेयर क्रिएट हो जाता है, लेयर, क्योंकि एयर हमारा क्या होता है, कॉम्प्रेसिबल इन नेचर होता है, लेकिन ऑयल ऑयल इनकम्प्रेसिबल इन नेचर हो जाता है। तो यहाँ पे हो जाता है क्या, कुछ ऑयल हो गए और फिर एयर, फिर ऑयल, फिर एयर, कुछ इस तरह का हो जाएगा, मतलब ऑयल एयर, ऑयल एयर, ऑयल एयर, कुछ इस तरह का लेयर बन जाएगा। जब इस तरह का लेयर बन जाएगा तो हम जब ब्रेक दबाएंगे तो यहाँ पे हम हमको जो भी ब्रेकिंग इफेक्ट चाहिए होता है वो हमको नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे उतना प्रेशर क्रिएट नहीं हो पाएगा, क्योंकि बीच में हमारे रह जाते हैं एयर। ओके, एयर रह जाने के वजह से तो यहाँ पे होता क्या है, एयर तो कंप्रेस हो जाते हैं, हमारा ऑयल तो कंप्रेस नहीं होने वाला है। जब ऑयल कंप्रेस नहीं होगा तो भाई हमारा जो ये पिस्टन है, ये पिस्टन तो मूवमेंट करने लग जाएगा, क्योंकि ऑयल तो कंप्रेस हो नहीं सकता है, और हम क्या कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हैं, तो पिस्टन तो मूवमेंट करेगा ही, लेकिन ये एयर हमारा कंप्रेस हो जाएगा। एयर जब कंप्रेस हो जाएगा तो प्रेशर उतना नहीं डाल पाएगा पिस्टन के ऊपर। ठीक है, तो ये था थोड़ा बहुत प्रॉब्लम, तो ये प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने के लिए एयर ब्लेडर का इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली ये हमारा जो पिस्टन है और ये जो आप सिलेंडर देख रहे हो, ये सिलेंडर के बाहर ही लगा रहता है एयर ब्लेडर, और ये जो हमारा एक मार्ग है, इस पाथ से और इस भाल से हम क्या कर रहे हैं, एयर को ब्लीडिंग कर देते हैं, मतलब बाहर निकाल देते हैं, एयर को बाहर निकाल देते हैं, और हमको जितना प्रेशर चाहिए उतना प्रेशर इसके अंदर क्रिएट हो जाता है। ओके, तो ये हो गया एयर ब्लेडर। नेक्स्ट ब्रेक लाइनिंग, तो आप लोगों को पता होगा ब्रेक लाइनिंग के वजह से हमारा क्या होता है, ये जो हमारे हाइड्रोलिक ऑयल है ये हमारे सिलेंडर के अंदर आते हैं, पहले से ही सिलेंडर के अंदर हमारा फ्लूइड वगैरह रहते हैं, और जब हम क्या करते हैं, प्रेस करते हैं हमारे ब्रेक पेडल को, तब और भी हमारे ब्रेक ऑयल्स आते हैं, और जिसके वजह से हमारा क्या होता है कि हाई प्रेशर यहाँ से क्रिएट हो रहा होता है। ओके, तो ये हो गया थोड़ा बहुत हमारा पार्ट्स का फंक्शन। नेक्स्ट चलिए देख लेते हैं वर्किंग प्रिंसिपल पुल क्या है, और वर्किंग प्रिंसिपल के वजह से ये जो हमारा DBS है, हमारा जो डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम है, ये कैसे काम कर रहा होता है। अच्छा चलिए देख लेते हैं, तो होता क्या है भाई, यहाँ पे हमारा जो हॉब के साथ व्हील लगा हुआ है, ये व्हील हमारा रोटेट कर रहा है। जब व्हील हमारा रोटेट कर रहा है, ये रोटर भी हमारा रोटेट कर रहा है, और डिस्क जिसको बोल रहे हो, ये डिस्क भी हमारा रोटेट कर रहा है। जब डिस्क हमारा रोटेट कर रहा है, अभी हमको क्या चाहिए कि हमारा व्हीकल यहाँ पे रुक जाए।
ठीक है, हमको चाहिए ये व्हीकल हमारा रुक जाए। अगर व्हीकल को रोकना है तो ये जो रोटर अभी घूम रहा है ये रोटर का भी रोकना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये रोटर को रोकेंगे तो व्हीकल हमारा रुकेगा। तो चलिए अभी क्या करते हैं, नहीं चलिए नहीं रुकते हैं अभी, चले तो बहुत अभी रुकना है हमको। अच्छा तो करना क्या है, यहाँ पे हम क्या करते हैं पता है हमको, ब्रेक पेडल रहता है, ये हो गया हमारा ब्रेक पेडल। ब्रेक पेडल के ऊपर आप क्या कर रहे हो कि कुछ फोर्स डाल रहे हो, मान लीजिए 2 न्यूटन, 10 न्यूटन, 30 न्यूटन, जो भी हो गया आप फोर्स डाल रहे हो। जब आप फोर्स डाल रहे हो तो होता क्या है, तो ये फोर्स हमारा जाकर पहुंच जाता है मास्टर सिलेंडर के पास। मास्टर सिलेंडर के अंदर हमारा बूस्टर रहता है, बूस्टर के वजह से हमको कुछ एडिशनल फोर्स भी मिल जाता है। और उसके बाद क्या होता है, वो हमारा जो पिस्टन है वो पिस्टन मूवमेंट करने लग जाता है। जब पिस्टन मूवमेंट कर रहा होता है तो उसके अंदर हमारे फ्लूइड्स वगैरह रहते हैं, तो ये फ्लूइड्स भी हमारे क्या करेंगे, फ्लो करेंगे। ये फ्लूइड जब फ्लो करने आ जाएंगे तो ये हमारे क्या होंगे कि आकर पहुंच जाएंगे किसके अंदर, ये जो आप देख रहे हो सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर हमारे यहाँ पे पहले से ही क्या हुआ है, इसके अंदर फ्यूल, ये जो हमारा फ्लूइड है ये फ्लूइड हमारा फिल हुआ है। लेकिन फिर जब हमारा जो फ्लूइड है, फ्लूइड जब आएगा तो होगा क्या, ये पिस्टन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर डाला जाएगा, ये सब मिलकर पिस्टन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर डालेंगे। जब प्रेशर डालेंगे तो होगा क्या, ये पिस्टन हमारा मूवमेंट करने लग जाएगा, ये पिस्टन हमारा मूवमेंट करेगा। ठीक है, तो ये पिस्टन जब मूवमेंट करेगा, ये पिस्टन के साथ यहाँ पे लगा हुआ है जिसको हम बोलते थे बैकिंग प्लेट, ओके, जिसको हम बोलते थे बैकिंग प्लेट। तो ये बैकिंग प्लेट भी हमारा मूवमेंट करने लग जाएगा, ये बैकिंग प्लेट भी मूवमेंट करेगा। जब ये बैकिंग प्लेट मूवमेंट करेगा तो ये जो आप देख रहे हो इसको हम बोलते हैं ब्रेक पैड, तो ये ब्रेक पैड भी मूवमेंट करेगा, ओके, ये ब्रेक पैड भी मूवमेंट करेगा। जब ये ब्रेक पैड हमारा मूवमेंट करेगा तो यहाँ पे होगा क्या, देखिए ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट और फर्स्ट सेक्शन, ये हो गया हमारा सेकंड सेक्शन। यहाँ पे दोनों सेक्शन जो है ये दोनों को आकर चिपकना है किसके साथ, रोटर के साथ। अगर ये दोनों आकर डायरेक्टली कंटैक्ट नहीं करेंगे, डायरेक्टली कंटैक्ट में नहीं आएंगे तो होगा क्या भाई, हमारा रोटर रुकने वाला नहीं। ठीक है, तो ये दोनों को आना पड़ेगा। अच्छा तो होता क्या है, जब यहाँ पे ये पिस्टन हमारा पुश कर रहा होता है, ये जो बैकिंग प्लेट एंड ये जो आप ब्रेक पैड को देख रहे हो, ये दोनों को जब पिस्टन हमारा पुश करेगा तभी होगा क्या, ये जो गाइड पिन है ये गाइड पिन हमारा कंप्रेस होने लग जाएगा, ओके, ये गाइड पिन हमारा कंप्रेस होगा। जब ये कंप्रेस होगा तो ये जो पार्ट है सेकेंड सेक्शन देख रहे हो, ये हमारा पुल होगा, ओके, ये हमारा पुल होगा। और ये जो पुल होगा मतलब इस तरफ मूवमेंट करेगा, ये मूवमेंट करके जाकर चिपक जाएगा किसके साथ, डिस्क के साथ, ओके, तो ये दोनों अब डायरेक्ट कंटैक्ट में आ जाएंगे किसके, डिस्क के, ओके, जब डिस्क के डायरेक्ट कंटैक्ट में ये दोनों आ जाएंगे तो होगा क्या, ये जो रोटर है, ये रोटर और डिस्क ये हमारा ठहर जाएगा, ओके, जब ये हमारा रुक जाएगा तो ये जो व्हील है व्हील भी रुक जाएगा। अच्छा यहाँ पे और एक चीज़ मैंने छोड़ दिया, देखिए होता क्या है, जब ये दोनों कंटैक्ट में आ जाते हैं, पता है हमको ये दोनों जब कंटैक्ट में आते हैं तो होता क्या है कि ये दोनों के बीच हाई फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा होता है, ओके, हाई फ्रिक्शन क्रिएट होगा। जब हाई फ्रिक्शन क्रिएट होगा, फ्रिक्शन के वजह से हमारा होगा क्या, जो काइनेटिक एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी हमारा हीट एनर्जी को कन्वर्ट हो जाएगा, ओके, तो वो काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी को कन्वर्ट हो जाएगा जिसके वजह से ये जो रोटर है ये रोटर हमारा रुक जाएगा, ओके, जब रोटर हमारा रुक जाएगा तो ये जो व्हील है ये व्हील भी रुक जाएगा और ये जो हमारा व्हीकल है ये व्हीकल भी हमारा रुक जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इफेक्टिव ब्रेकिंग बाय द हेल्प ऑफ डिस्क ब्रेक, ओके, तो डिस्क ब्रेक के वजह से ये जो आप देख रहे हो ये पूरा का पूरा सिस्टम इस तरह कुछ काम कर रहा है और हमारा व्हीकल को कुछ अच्छा खासा ब्रेकिंग इफेक्ट दे रहा होता है, ओके, मेरा तबीयत कुछ ख़राब है आज तो इसीलिए इतना ही। तो अगर आप लोगों को कहीं पे भी कुछ भी डाउट्स वगैरह हो तो मेरे को ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ओके, टेक केयर, बाय बाय।